उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराकर ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 7 वर्षों से सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। भयावह स्थिति यह है कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यह कहना है शहर कांग्रेस कमेटी का। आज शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी जनों ने 2020 से 2022 के बीच 5 राज्यों के आपराधिक आंकड़े जारी करते हुए मंडल आयुक्त कानपुर मंडल को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की, योगी सरकार के शासन की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंडलीय प्रदर्शन मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं मंडल के अंतर्गत, जितने जिलाध्यक्ष उनके साथ, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कानून के हालात, जो व्यवस्था बनी है, कानून का राज खत्म करके गुंडा राज है, सरकारी तंत्र में गुंडागर्दी की जा रही है। जिस तरह से अपराध हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जनता त्रस्त है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और युवा सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन यहाँ पे दिया गया। तो अभी जो राष्ट्रीय भारत सरकार की जो राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है एनसीआरसी की, उस रिपोर्ट में भारत जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 अपराधों में, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो जो अनुपात के हिसाब से, जो जनसंख्या के अनुपात से, वैसे तो देखें बहुत बड़ी संख्या में।